हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो अभी एक फुटबॉल प्रीमियर लीग का मैच होने वाला है गाइस, एस्टन विला वर्सेस WBA के बीच, पूरे एक घंटे 51 मिनट के बाद, मतलब कि 11:30 बजे। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो होप कि आप इस मैच के अंदर जीतें। तो मेरे नाम के काफ़ी अनदर फेक ग्रुप्स हैं, सो बी अवेयर फ्रॉम देम। तो यही मेरा चैनल है गाइस, प्रीवियस मैचेस के स्क्रीनशॉट्स इधर ही पोस्ट कर दिए हैं, जिस कारण आपको ग्रुप ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअली ना थोड़ा ना क्या है कि हमारे जो एरिया में इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है, जिस कारण ये वीडियो भी काफ़ी मुश्किल से बना रहा हूँ, आपको नहीं पता। और प्लीज़, तो अगर टीम थोड़ी लेट होती है तो मैनेज करो गाइस। तो मैं यहाँ पे बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर सैम जॉनस्टोन ने साउथहैम्पटन के खिलाफ एक ज़बरदस्त पेनल्टी रोकी थी, जिसमें कि WBA की क्लीन शीट लगी थी साउथहैम्पटन के खिलाफ, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं था। मतलब भाई सपना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं चाहता नहीं था, लेकिन ये हो गया। तो इसलिए मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। एक्चुअली इस रिकॉर्ड मायने नहीं रखता, ड्रीम इलेवन के पॉइंट्स देख के कोई टीम नहीं बनानी चाहिए। मैं आपको मुँह से बताता हूँ कि एस जॉनसन जो प्लेयर है, देखो पेनल्टी की बात अलग है, पेनल्टी रोकने से पहले पेनल्टी आनी चाहिए, इसलिए वो बात तो बिल्कुल बहुत दूर की है, वो सोचनी बहुत अजीब है। बात करें गोल सेविंग रेशियो की, तो इस बंदे का 60% गोल सेविंग रेशियो बहुत ही अच्छा है। आगे से बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा एक प्लेयर जिसका नाम है ई कौनसा नहीं होगा। प्रीवियस मैच के अंदर इसने मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ 90 मिनट खेला था, जिसमें कि बहुत शर्मनाक बात है कि ओपोनेंट टीम ने 2 गोल कंसीडेड कर दिए थे, जिस कारण भाई असिस्ट तो बहुत दूर की बात है, ये बंदा चल ही नहीं पाया। बहुत मतलब क्या बोलूँ, कि मतलब वर्ड्स ही नहीं है। आज पर ये चल सकता है, क्योंकि WBA जो टीम है वो इनका सामना करते हुए थोड़ा हिचकिचाती है। आगे से बात करूँ एम कैश तो ऑलवेज अ हीरो, पिछले मैच के अंदर मैं मानता हूँ फ्लॉप गया, और मैं ये भी मानता हूँ इसको रेड कार्ड मिला हुआ है, तो आई थिंक इसकी वापसी तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने कहीं से मैं पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, तो तभी लगा एम कैश को फिर भी वापसी तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि क्या है कि एस्टन विला के ना काफ़ी इंटर डोमेस्टिक मैच होते हैं, जिसमें कि ये रेड कार्ड के वो कर देते हैं, मतलब माइनस, लेकिन ये होगा नहीं, तो इसलिए इसकी जगह एक नए प्लेयर की वापसी होनी है। अब वो पता नहीं कौन होगा, इसलिए अभी मजबूरी के लिए आप एम कैश को रख लो। आई नो कि ये प्लेयर शायद आज का मैच ना खेले, लेकिन मजबूरी के लिए, इसलिए मैं इसका स्टेटस नहीं बता रहा, इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये शायद ना खेले, रेड कार्ड मिला हुआ, शायद क्या 100% ही वॉज नॉट प्लेइंग, तो इसकी जगह जो प्लेयर आएगा देखते हैं क्या लेना है, बट अभी के लिए आप इसके साथ जाओ, क्योंकि काफ़ी लोग ना मिस्टेक कर लेते हैं डिफेंडर ऑप्शन में। टीम इंग्स की बात करूँ तो आपको पता ही गाइस, इट्स अ गुड प्लेयर। एक्चुअली मिंग्स का और एम टारगेट, ये दोनों लगभग एक जैसा खेलते हैं और एक ही टीम के हैं, जो कि दिखने में बहुत ही, मतलब दिखने में नहीं, इन द सेंस बहुत खेलने में सही खेलते हैं। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, यहाँ से लूँगा अनदर प्लेयर मैथ्यूस परेरा बहुत अच्छी फॉर्म में है। WBA का यह प्लेयर, इसने चेल्सी की बैंड बजा दी थी, 2 गोल 2 असिस्ट और 4 शॉट ऑन टारगेट, मतलब क्या बोलूँ। WBA जैसी टीम अगर चेल्सी टीम को गोल कर रही है, तो भाई कुछ तो खास है, अगर आप एक टीम को 5 गोल कर रहे हो। और आगे से बात करूँ रोबिंसन की, बहुत ज़बरदस्त मूड में है, क्योंकि जब इसने चेल्सी को एज अ सब्स्टिट्यूशन गोल मारे थे ना, तो मेरे को तभी पढ़ लिया था कि WBA टीम फॉर्म में आ गई। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जे मैगिन को लेना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को पता है मैं सिंगल साइड टीम बना के थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन ये मिस्टेक नहीं है, ये रिस्क है। आपकी नज़र में ये मिस्टेक होगी, लेकिन फैंटेसी की नज़र में ये रिस्क है, जो कि मैं मैगिन के साथ जा रहा हूँ। इट्स अ गुड प्लेयर, इट्स अ राइट हैंड साइड मिडफील्डर। आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, ओ वेटकिंस, क्या पता आज इस टीम को गोल ना मार पाए। तो गोल बदला बचा कौन, बताऊँ कौन, बी ड्रॉर, क्योंकि बी ड्रॉर क्या है, इट्स अ गुड असिस्टर। जब तक गोल नहीं होगा, जब तक असिस्ट नहीं होगी, इसलिए बी ड्रॉर इज़ अ मेन प्लेयर फॉर टुडे। एम डाइन की बात करूँ, या तो एम डाइन लो या के ग्रैंट। ग्रैंट का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसका गोल रेशियो बुरी तरीके से ख़त्म है, तो डाइन के साथ जाऊँगा मैं। और आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन ने कहा वेटकिंस एंड वाइस कैप्टन जे मैगिन। अगर जैक ग्रिलिश की वापसी होती है, तो इस टीम के नक्शे बदल जाएंगे, मतलब बहुत अच्छी तरह फॉर्म में आएगी। तो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।